क्योंकि राजा वासु को पता नहीं था कि मेरी पुत्री है, क्योंकि रानी ने तो कहा गर्भ नष्ट हो गया और अंदर छुपाए के रानी ने 16 साल की कर दी। अब अट्टा पे कहा देखो राजा ने कि ऐसी कि ऐसी पवन चले सरपटा। अच्छा सब भैया बैठ जाए तो और बड़ा आनंद आएगा, क्योंकि जो ऐसी पवन चले सरपटा तन से उड़ रहो तो पटा पवन छोरी कैसी है चंचल चितवन चंद चकोरी अरे चंचल चितवन चंद चकोरी और राजा के दिल में समाई गई गोरी जो खड़ी सामने अट्टा जो खड़ी सामने अट्टा तन से उड़ रहा तो माने सम्माने श्री पहलाद चौरसिया जी बरही वाले इक्यावन रुपए का आशीर्वाद दे रहे हैं। अब देखो राजा के दिल में समाई गई गोरी और राजे की कन्या आती के राजा वासु को मालूम नहीं था। अब राजा सोचने लगा कि हमारे आस पड़ोस में कोई शादी वगैरह हाथ ना ने जो हमारे अट्टा पे से सुंदर कांते भरे आई अरे जे गोरी दिल बीच समाई जे गोरी दिल बीच समाई और जाए बनाए करू मटरानी की उल्टी बुद्धि। अब कह रहा चाहे जो पड़ोसी ने बनी रहे चाहे कहू नातेदार की बनी रहे अब तो चाहे रानी बना के रखा जो घड़ी सोने के सलखा से Thank you.
कि मैं इसे अपनी पटरानी बना के रखूंगा, लेकिन क्या वर अभी का आशीर्वाद देते हैं बारवा चढ़ो पटरानी बना के रखूंगा, लेकिन गंगा की किस्म उठाई थी मन में कल्पना करने से ही राजा को मन सा पाप लग गया। अरे मन सा पाप लग मन से भैया एक फरमाइश है कि मन सा पाप लगो मन से और टपकन लगो टपकन से कैसा लगो खून कर